Bismillahir Rahmanir Rahim, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. This is your wellness friend Nasir. Ladies and gentlemen, आज जो discussion है वो होगी जो आपकी objective of Ramadan में एक addition to your all other spiritual activities. अगर weight loss से connected हैं आप, तो फिर आपको अपने जो हंगरी फोबिया है ना उससे घबराना नहीं है. वो आपको बहुत सारे बेनिफिट देगा. ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली, और ये जो गोल उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ओवरवेटेड हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा महीना है कि वो अपनी रूटीन को इस तरह से सेट कर लें कि उनकी नींद भी पूरी हो और वो ओवर ईटिंग की तरफ भी ना जाएँ, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाने की तरफ भी ना जाएँ, और सहरी से पहले और इफ्तार से पहले बहुत जल्दी जल्दी ना खाएं और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड की तरफ ना जाएं. बल्कि कुछ लोगों को, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि हम जब खाना सूंघते भी हैं तो वो हमें लग जाता है, तो वो लोग कोशिश करें कि वो फ्रूट को भी अवॉइड करें. तो वो सिंपली बॉइल्ड पे आ जाएं, ठीक है, उसमें वेजिटेबल को इन्वॉल्व करें, एड अप कर लें, और फ्रूट्स को भी स्किप करें और लेमन को ऐड कर लें. इस तरह से स्ट्रॉबेरी फ्रूट ये ऐड कर लें, एप्पल ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और डेट्स बड़ा अच्छा है सोर्स. और फिर इसके अलावा जितने भी डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर दही, दूध और फैट फ्री ये आप ऐड कर सकते हैं. राइस को अवॉइड करें, और जितने भी समोसा पकोड़ा और ये तमाम चीज़ें हैं ना, इसको अवॉइड कर लें. और ऑब्वियसली उसको स्ट्रक्चराइज करना होगा. अगर आप से किसी को भी अपने डाइट को स्ट्रक्चराइज करना है, सो यू कैन ऑलवेज, जो मेरे यूट्यूब चैनल है, इस पे जाके आप मुझे मेरे व्हाट्सअप से मुझे रब्ता कर सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि आपकी जो रमज़ान का जो भी डाइट प्लान होगा वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. तो उसमें चूँकि हमें कुछ बेसिक FAQs होती हैं जिसके बेसिस पे हम आपके लिए स्पेसिफिक कैलोरी बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, और फिर उसमें आपको कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हम ये रिकमेंड करेंगे कि आपने कौन कौन से फिज़िकल एक्टिविटी करनी है उसके अंदर. तो ये सारा जो वो डिस्कशन है, और एक एक्सरसाइज प्रोग्राम और एक डाइट प्रोग्राम वो इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर एवरीबडी. कुछ लोग जो है ना वो स्किनी हैं, कुछ लोग हैं जिनका मस्कुलर इशू है, मस्कुलर लेवल उनकी डेंस नहीं है, कुछ के अंदर फेट बहुत ज़्यादा है, कुछ के अंदर फेट और मसल, फेट की प्रोपोर्शन भी है और मसल की प्रोपोर्शन भी इसी तरह से है, और कुछ लोगों के जो स्टेबन फेट है जिनकी फेट जाती ही नहीं है. तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी ये कहा है कि दिस मंथ में, एक मंथ में आप अपने डिसिप्लिन सेट कर सकते हैं, मगर यू कैन नॉट लूज़ योर वेट या जो आपकी बॉडी फेट परसेंटेज है विद इन वन मंथ. विद इन दिस 30 days इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा अपने रूटीन मैटर से हट के काम करने हैं, और सारा दिन अपने पैशंस को भी मैंटेन करना है, प्रेयर्स के ऊपर भी जाना है. तो इन तमाम की कलेक्टिविटी जो है ना आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. और वो लोग जो अपने आप को मेंटली शार्पन करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट मंथ, चूँकि आप जितने भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और दैट्स वेरी गुड फॉर यू ऑल. सो आई होप यू आर इन्जॉइंग योर रमज़ान. और इसकी बेनिफिट को अगर आप माइंड में रख लेंगे, पॉजिटिवली रख लेंगे, तो आप जो है ना इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला तो सबब बनता है, बाकी पर इंसान जो है ना वो कोशिश ही कर सकता है. सो विश यू ऑल द बेस्ट, और कोशिश करें कि कीप योर मेंटली, अपने आप को कूल रखें, स्माइल रखें हमेशा फेस के ऊपर, बोरिंग ना हो, बल्कि खुशी महसूस करें फॉर दिस मंथ. और बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बहुत हर लिहाज से बेनिफिट्स हैं. तो दैट्स इट गाइस, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस,
So you can may please share, subscribe and like. So wish you all the best and have a blissful Ramadan.